आज की वीडियो लाल किताब के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक किस्मत का ग्रह कैसे ढूंढें और किस्मत के ग्रह का यूज क्या होता है उसके बारे में रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दैट बाकी लोग भी इस चैनल की फ्री लर्निंग का बेनिफिट ले पाएं। तो बात करते हैं हम लोग किस्मत का ग्रह और उसको तलाश यानी कि सर्च कैसे किया जाए अपनी कुंडली में, उसके बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो किस्मत का ग्रह क्या होता है हमारी कुंडली में? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट जिसका हम दान नहीं की करते किस्मत का ग्रह होता है। और किस्मत की ग्रह की जो फाइंड करने की जो कंडीशन है यानी कि जो आपकी किस्मत जगा सकता है, जो कि किस्मत में या कुंडली में सबसे जो इम्पोर्टेंट प्लैनेट है उसके बारे में ये वीडियो रहेगी। तो किस्मत का ग्रह कौन सा ग्रह होता है? जो भी ग्रह आपकी कुंडली में सबसे अच्छे हालात में लाल किताब के हिसाब से यानी कि जो अपनी खुद की राशि में है, उच्च राशि में है, हर तरह से दृष्टि से फ्री हो, दृष्टि उस पर किसी भी शत्रु की ना आए, या वो हर तरह से कायम हो, अच्छा हो, साफ हो, उस ग्रह को किस्मत का ग्रह कहा गया है। किसी भी दोस्त ग्रह के अलावा दुश्मन ग्रह से किसी की भी कोई भी कंडीशन एफ्लिक्शन की ना बने तो ऐसे ग्रह को किस्मत का ग्रह कहा गया है ऐसी कंडीशन में। तो अगर ये कंडीशन ना मिले तो जो भी ग्रह अपने पक्के घर में बैठा हुआ है वो ग्रह आपके लिए किस्मत का ग्रह माना जाएगा। इसके अलावा अगर आपको स्टिल ऐसा प्लेनेटरी कंडीशन आपको नहीं मिल रही है जिसमें आपको किस्मत का ग्रह नहीं मिल रहा है तो कैसे ढूंढ सकते हैं कि किस्मत का ग्रह कौन सा होगा? तो जो एस्ट्रोलॉजी की जो सिस्टम है, लाल किताब की एस्ट्रोलॉजी की जो सिस्टम है उसके हिसाब से सर्च करने का जो तरीका है उसके अकॉर्डिंगली कुछ स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। अगर इस हिसाब से अगर आपको प्लेनेट नहीं मिलता है, अपना किस्मत का ग्रह नहीं मिलता है तो पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 12 राशियों में उन ग्रहों को चुनकर देखेंगे जो उच्च फल देने वाले हों या उच्च राशि में हों या सबसे अच्छे बैठे हों, तो वो आपका किस्मत का ग्रह हो जाएगा ये लाल किताब के हिसाब से। फिर 9 ग्रहों में से सबसे अच्छी कंडीशन में जो ग्रह होगा हम वो मान लेंगे कि वो ग्रह आपकी किस्मत का ग्रह है। फिर तीसरी कंडीशन में हम वो समझते हैं जिस ग्रह में बंद मुट्ठी के खाने यानी खाना नंबर 1, 4, 7, 10 यहाँ पर जो भी ग्रह सबसे अच्छे बैठे हैं, जैसे कि 4 में बृहस्पति बैठा हो, 7 में शनि बैठा हो, 10 में मंगल बैठा हो, 1 में शनि, 1 में सूर्य बैठा हो, सॉरी, तो ये आपकी किस्मत के ग्रह बन जाएंगे। चौथी कंडीशन में घर के मालिक ग्रहों में सबसे अधिक ताकतवर कौन सा ग्रह बैठा है उसको किस्मत का ग्रह मानेंगे। पांचवी कंडीशन में अगर बंद मुट्ठी के खाने खाली हो यानी कि 1, 4, 7, 10 तो ऐसी कंडीशन में खाना नंबर 9 के ग्रह को हम देखेंगे। अगर वो अच्छा बैठा है, अफ्लिक्टेड नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में खाना नंबर 9 के ग्रह को हम लोग किस्मत का ग्रह मान कर सकेंगे। खाना नंबर 9 अगर खाली हो तो खाना नंबर 3 के ग्रह को लेंगे, अगर वो भी खाली है तो खाना नंबर 11 के ग्रह को लेंगे। ऐसी कंडीशन में अगर ये मिलता है तो ये आपकी किस्मत का ग्रह होगा। अब खाना नंबर 11 अगर खाली हो तो खाना नंबर 5 को ले सकते हैं, अगर वो भी खाली है तो खाना नंबर 2 को ले सकते हैं। तो किस्मत का ग्रह अगर 5 में मिलता है तो 5 को मानेंगे, 2 में मिलता है तो 2 को मानेंगे। खाना नंबर 2 भी अगर खाली हो तो खाना नंबर 12 में जो भी ग्रह बैठा है उसको हम किस्मत का ग्रह मानकर चलेंगे। उसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि वो कैसा है। अगर खाना नंबर 12 भी खाली हो तो ऐसी कंडीशन में खाना नंबर 8 को देखेंगे कि कहीं किस्मत का ग्रह जो है वो यहाँ पर तो नहीं बैठा हो, खाना नंबर 8 में बैठा हो। लेकिन ऐसी कंडीशन भी पॉसिबल है कि ये दोनों कंडीशन जो है वो इनमें से कोई भी कंडीशन जो है वो फुलफिल ना हो और आपको कोई भी ग्रह ऐसी कंडीशन में ना मिले, तो इसकी कंडीशन में और क्या कर सकते हैं? स्टिल किस्मत का ग्रह तो हर किसी के पास है, तो वो क्या होगा, इसको ढूंढा कैसे जाए? तो वैसी कंडीशन में क्या करना है कि ये सारे के सारे स्टेप अगर आपको लग्न कुंडली पर लगते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगते हैं अगर तो फिर चंद्र कुंडली पर भी यही सूत्र सारे के सारे लगा सकते हैं। तो किस्मत का ग्रह आप इस तरह से अपनी कुंडली में ढूंढ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हीं स्टेप को फॉलो करके अपना किस्मत का ग्रह जो है वो उसको समझ सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में किस्मत का ग्रह अगर सोया हुआ है तो उसको जागृत कैसे किया जाए इसके लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपके सामने एक और नए टॉपिक के साथ बहुत जल्दी आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।